सोमराज के ऊपर. इट सीम्स लाइक सोमराज को टेक डाउन करने के बाद रेगलटॉस ने भी वहां पे एक ट्रेड में एक नॉक जरूर निकाला. थोड़ा संभलना पड़ेगा. गिल की पोजीशन काफी अच्छी. वाइपर को रिवाइव देना भी थोड़ा मुश्किल यहां पे इसलिए बन गया क्योंकि वो भी फ्लैंकर थे. बट अभी के लिए वैक्सी जिनको नॉक करा गया था फिनिश भी कर दिया गया रेगलटॉस के द्वारा. यही एक अप्रोच है अभी के लिए टीम की. अगर आपने नॉकआउट करा है तो उसको कंफर्मेशन है निकाली, मतलब उम्मीद ही मत छोड़िए उनके टीममेट्स के लिए कि वो उनको बचाने के लिए जाए. अभी के लिए शुरुआत काफी अच्छी है लेकिन वाइपर को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्या वो पहुंच पाएगी टीम सोल, क्या मॉर्टल वहां पर पहुंच पाएंगे उनको बचाने के लिए, वो देखने वाली बात है. ओ अकेल एंड जो बाकी साथी खिलाड़ी है वो थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से अब यूनाइट होते नजर आ रहे हैं. कैनेडियन ड्राइवर यानी मावी बिल्कुल तैयार है इस चीज के लिए. वाइपर को शायद स्पिरो क्या लगता है, मुझे मुश्किल लग रहा है अभी तक शायद रिवाइवल थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि वहां तक जब तक पहुंचे कोई तब तक कोई हो सकता है फिनिश ऑफ ना हो जाए यहाँ पर. बिल्कुल यहाँ रिवाइवल का कोई चांस ही नहीं बच रहा. देखना पड़ेगा डेस्ट्रो को या नॉक कर पाएंगे. जी हां राहुल रेगल था उसकी तरफ से एक शानदार जगह देखने को मिलता है. देखिए एचपी उनकी कम थी, प्रॉब्लम में वो थे लेकिन वो जगह इतना अच्छा आया कि जिस तरह से उन्होंने नॉक निकाला. मॉर्टल यहाँ पे आते हैं एमटी49 के पास. बताते आदित्य का टीपीपी बहुत ही शानदार था. मॉर्टल को सरप्राइज किया और मॉर्टल को टेक डाउन किया विद दैट डीवीएस शॉटगन के साथ. यहाँ पे क्लोज रेंज में अमेजिंग एफर्ट देखने को मिला. गिल वहां पे भी होल्ड कर रहे हैं. अमेजिंग रिएक्शन टाइम यहाँ पे दिखाते हुए हमारे जनता को. बट कैनेडियन ड्राइवर रेगलटॉस इट्स गोइंग टू बी अ 2-1 अगेंस्ट द बीस्ट ऑफ टीम ऑरेंज रॉक. इट्स गोइंग टू बी आदित्य जो कि एक क्लच मास्टर है ऑरेंज रॉक की तरफ से. उनके सामने टीम सोल के दो शानदार खिलाड़ी मावी एंड रेगलटॉस. टीपी अच्छा खेल रही है. सामने आदित्य को भी टेक डाउन कर दिया गया मावी की तरफ से. तो टीम सोल वाइप आउट करती हुई टीम ऑरेंज रॉक को. बट दो कैजुअल्टी मिलती हुई उनको भी.